हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे एम्स एग्जाम 2019 एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें मैं आपको टोटल तीन बातें बताऊंगा। जिसमें हमारी सबसे फर्स्ट होगी कि आपको एम्स एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर आपकी सेकेंड बात रहेगी यहाँ पे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी एम्स एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए। और जो थर्ड बात रहती है वो रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये गलती होती है। तो जो हमारी थर्ड जो आपकी बात रहेगी जो थर्ड हमारा मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि आपसे क्या क्या गलतियां हो सकती है एम्स एग्जाम का फॉर्म फिल करते वक्त। आपको उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए चलना है, यानी कि उनको छोड़ते हुए चलना है, आपको उन गलतियों को नहीं करना। मेरा मेन उद्देश्य इस वीडियो को इसीलिए बनाया था मैंने कि वो गलतियां आप लोगों को मैं बता दूं, आप गलती ना करो, जिससे आपका एम्स का फॉर्म वो रिजेक्ट ना करे एम्स वाले। ओके, तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट कि आपको एम्स एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल करना है। इसके लिए आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी, www.emsexams.org। इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे ये फर्स्ट पेज निकल के आ जाता है। इस पेज के अंदर आप देखिए यहाँ पे एकेडमिक कोर्स लिखा हुआ है, तो एकेडमिक कोर्स पे आपको क्लिक करना है। एकेडमिक कोर्स पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने डिस्प्ले पे न्यू पेज आएगा। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे MBBS लिखा हुआ है, तो MBBS पे अनग्रेजुएट के अंदर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दी बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स MBBS 2019 विल बी ओपन फॉर्म 30 नवंबर, द लास्ट डेट फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स MBBS 2019 इज 3rd जनवरी। यानी कि आपके कल से 30 नवंबर से आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके और आपकी 3rd जनवरी लास्ट डेट है। ओके, तो आप यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। इसको जब आप कहीं भी ओपन करोगे तो सेम यही यहाँ पे निकल के आएगा। अब मैंने अभी इसको मोबाइल में ओपन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप साइट कर देता हूँ, वही पीसी वाला साइट। तो आप देखिए आपके सामने यहाँ पे ये पेज आ जाएगा आपके डिस्प्ले पे। तो आप देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हियर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। इस पर रजिस्ट्रेशन क्यों करना है देखिए, अगर सपोज आप एक काम करना, मेरा कहना मानो, तो एम्स का फॉर्म फिल करने के साथ साथ आप यहाँ पे ये देखिए एम्स से यहाँ पे नर्सिंग भी होती है, BSc नर्सिंग, इसका फॉर्म फिल कर देना। बहुत अच्छी चीज है, बेकार चीज नहीं है, नीट से तो बेहतर है। तो आप इसको भी फिल कर देना, और ये सब आप तभी फिल कर पाओगे पैरामेडिकल वगैरह BSc पोस्ट बेसिक, जब आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आप इसको फिल कर सकते हो। तो आप यहां पे इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप देखिए सबसे फर्स्ट एम्स वाले खुद बता रहे हैं कि आपको यहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप देखिए आपको यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। देखो आज के टाइम पे, आज के ज़माने में ईमेल आईडी का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और वो वैलिड होनी चाहिए, यानी कि कोई फर्जी नहीं होनी चाहिए, आपकी परमानेंट एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये ऐसा क्यों ये भी बता देता हूँ आपको, अगर कोई भी करेक्शन होता है आपके और अगर एम्स वालों को पता लग जाता है, वहाँ पे जो भी उनकी टीम रहती है उनको पता लगता है, तो आपको वो मेल के थ्रू यहाँ पे बता पाते हैं कि आपके ये करेक्शन है। तो आपको ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लेना, वो परमानेंट ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपको मोबाइल नंबर चाहिए, यहाँ पे परमानेंट मोबाइल नंबर डालना है। ओके, और पर्सनल डिटेल्स के अंदर देखिए आपको यहाँ पे आपकी फोटो चाहिए। अगर आपने अभी तक फोटो क्लिक नहीं करवाया तो फोटो आप खिंचवा लीजिए, फोटो शूट करवा लीजिए, नया फोटो चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट। ओके, इसके अलावा आपको स्कैन करनी है, आपका थंब चाहिए। देखो एक और सबसे बड़ी गलती होती है, आपको थंब चाहिए वो लेफ्ट हैंड का चाहिए, यानी कि बाएं हाथ का। थंब को स्कैन करवाते वक्त ध्यान रखना, मेन एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। मेरा एक फ्रेंड था उसके साथ आई थी, मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी तब भी बताया था कि आपको थंब और सिग्नेचर दोनों को स्कैन करते वक्त अच्छे से स्कैन करना है, और जो फोटो आप अभी यहाँ पे फॉर्म के लिए स्कैन करोगे वही फोटो सेम आपको वहाँ पे चाहिए मेन एग्जाम के लिए। तो आप पासपोर्ट फोटो भी ज़रूर बनवा लेना एक। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे अब आपको और क्या क्या चाहिए, आपको मार्कशीट चाहिए 10th या 12th की, और आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड या मार्कशीट कुछ भी हो चलेगा। ओके, और आपको देखिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए SC ST आप जहाँ भी बिलोंग करते हो जनरल, और आपको अगर आप मतलब पैरा ये PWBD के अंदर आते हो तो आपको इसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है। इसके लिए आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके डिस्प्ले पे ये पेज निकल के आ जाता है। फिर से आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 4 कोर्स करवा रहे हैं अभी एम्स वाले, तो आप यहाँ पे चारों फॉर्म फिल कर सकते हो MBBS के लिए, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और BSc पोस्ट बेसिक। हमको यहाँ पे भी MBBS 2019 का फॉर्म फिल करना है, तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। ओके, मैंने कर दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है आपका,
आपको यहाँ पे आपका नाम, पता, नेशनलिटी, फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, देखो ध्यान रखना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से डालना है, बिल्कुल करेक्ट डालना, वरना बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, जेंडर वगैरह, कैटेगरी, ये सब आपको यहाँ पे ये सब फिल करना है। ओके, आप सब ये भर दो, यहाँ पे ये फिल कर दो। इसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये फिर से आपको यहाँ पे डालना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। ये सब आप यहाँ पे देख लेना, मैं अभी ये सब यहाँ पे भी फिल कर नहीं सकता, आपका फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, मैंने बता दिया। फिर आपका जो सेकंड स्टेप रहता है उसके अंदर देखो आपको इमेज स्कैन करनी होगी और आपका थंब स्कैन करना होगा। तो ये दोनों स्टेप हमारे जो अभी ये हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है इसके अंदर अभी आपको यहाँ पे ये सब कंप्लीट करना होगा, ये फिल करना होगा। फिर देखो बात आती है कि पेमेंट कब पे करना है और यहाँ पे सेंटर कब चूज करना है, यानी कि सिटी, सेंटर ऑफ सिटी कब चूज करना है। तो उसके लिए आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो यहाँ से 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि सॉरी आपके वो स्टार्ट होंगे, हाँ 23 जनवरी से, 23 जनवरी से आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये 3 जनवरी को फर्स्ट वाला रजिस्ट्रेशन है, ये इसकी लास्ट डेट रहेगी, ये एंड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी मैंने आपको बता दी। अभी आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना, तो अभी आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आराम से। और गलतियाँ आपसे नहीं होनी चाहिए, जो जो गलतियाँ थी उनका ध्यान रखना, ईमेल आईडी वाली और आपका एक थंब स्कैन करते वक्त और इमेज स्कैन करते वक्त, ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। मेरा मेन उद्देश्य आपको इस वीडियो में क्योंकि यही बताना था आपकी गलतियाँ क्या क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ गलती हुई थी जब मैंने वहाँ पर मेरा थंब स्कैन किया था। तो आपको ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड निकालते वक्त आपको प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम नहीं देने देंगे वो लोग अगर आपका थंब वहाँ पे अगर मैच नहीं हुआ। तो आप अच्छे से करना सब कुछ, मैंने बता दिया, मेरा बताने का काम था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर इस चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं लेटेस्ट अपडेट को जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ वीडियो बना के। और आप साथ साथ देख सकते हो हमारा केमिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगा और बिल्कुल रेगुलर है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स सर्कल के अंदर शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।